हाय दोस्तों, टेडी नाक का सफल इलाज, डेविटेड नोज सक्सेसफुल सर्जरी, एवरीवन यही चाहता है। अगर किसी की नाक टेढ़ी है तो उसका सफल इलाज होना चाहिए। हाँ, बात करते हैं आज के वीडियो में। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, एवरीवन, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा चेहरा सुंदर हो, मेरे चेहरे पे मेरी आईज, मेरा नोज, मेरा एवरी पार्ट सुंदर हो। ऐसे ही हम चाहते हैं मेरा नोज जो है स्ट्रेट हो, सीधा हो, और मेरे को दोनों नोज से बराबर अच्छे से ब्रीदिंग आए। क्योंकि दोस्तों, जीने के लिए हमें खाना नहीं चाहिए होता है, हमें अच्छा सा एक सांस होता है, ब्रीदिंग का रास्ता ओपन होना चाहिए। टेढ़ी नाक का सफल इलाज दोस्तों, इसके लिए जो है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इसमें एक सेप्टोराइनोप्लास्टी दोस्तों सर्जरी होती है। ये जो सर्जरी हम करते हैं, इसका उद्देश्य होता है जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी आपका नोज ब्लॉकेज फ्री होना चाहिए। आज भी और ऑपरेशन के बाद भी, जब तक इस दुनिया में है, हमारा नोज दोस्तों ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारा नोज बनाया ही सांस लेने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, जो हमारा नोज का जो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है दोस्तों, एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे पास जो है डेविटेड या टेढ़ी नाक के जो पेशेंट आते हैं, बेसिकली पेशेंट उस चीज की कॉम्प्लिकेसी नहीं समझता, एंड बहुत बार जो जूनियर कलीग्स हैं, जो जूनियर सर्जन हैं, वो भी नहीं समझ पाते। पेशेंट कहता है कुछ नहीं है, बस हल्का सा ये टेढ़ा है, इसको सीधा करना है। सो दोस्तों, टेढ़ा नाक अपने आप में एक बहुत मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वे होता है, क्योंकि इसमें हमारे नोज के जो अंदर का स्किन के नीचे फ्रेमवर्क है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। सो जितना भी अंदर जो फ्रेमवर्क है उसका रीओरिएंटेशन करना होता है। सो दोस्तों, रीओरिएंटेशन कब होगा, जब किसी चीज को पूरा डी स्टेबलाइज कर लिया जाएगा, डी असेंबल कर लिया जाएगा, एंड उसको वापस एक स्ट्रेट वे में असेंबल करना। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है, सेंटर एक्सपीरियंस नहीं है, एंड किसी कारण से आपने डी असेंबल तो कर लिया, लेकिन उसका पूरा असेंबल जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो जो आपका नाक टेढ़ा था, तो ऐसे बहुत बार और विकृति भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आपका सर्जन जो है वो एक्सपीरियंस है, बोर्ड सर्टिफाई है, उसको थाउजेंड्स केसेस का एक्सपीरियंस है, तो आपका नोज एक स्ट्रेट जो है वो वे में वापस असेंबल हो सकता है, जो लुकिंग में भी अच्छा हो और आपको उससे ब्रीदिंग भी अच्छी आए। इसलिए दोस्तों, टेढ़ी नाक का सफल इलाज, टेढ़ा नाक यस वो स्ट्रेट हो सकता है, 100% हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण से नहीं होता, इनमें सर्जन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जैसे डॉक्टर ने जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किसी कारण से हमने वो फॉलो नहीं की, हमारा स्प्लेंट है वो टेढ़ा हो गया, या हमारे कोई चोट लग गई, या खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इन फैक्टर से भी। बाकी सेप्टोराइनो जो प्लास्टिक सर्जरी है, उसके माध्यम से जो आपका टेढ़ा नोज है उसको डेफिनेटली, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स होते हैं, ऑस्टियोटोमीज होती हैं, प्याजो जो है वो अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी होता है, इन सब के माध्यम से हम हमारे नोज को स्ट्रेट बना सकते हैं एंड ब्लॉकेज फ्री बना सकते हैं, एंड हम एक जो है अच्छा कॉन्फिडेंशियल लाइफ हमारे नोज के कारण जी सकते हैं। सो दोस्तों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है बात, आई थिंक यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे इसके रिगार्डिंग हमारी अवेयरनेस क्रिएट हो सके। थैंक यू।